हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मेकअप हॉल। तो इस बार मैंने पर्पल से बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स परचेस किए हैं, क्योंकि अभी पर्पल पे सेल भी चल रही थी और अभी फिर से पर्पल पे नेक्स्ट सेल आने वाली है 21 से 27 दिसंबर। तो आप लोग उसे यूज़ कर सकते हो, इस सेल का ज़रूर फ़ायदा उठाओ। सेल पे ना काफ़ी सारे डिस्काउंट्स मिलते हैं और मुझे 100 रुपीज़ ऑफ मिला फ़र्स्ट टाइम परचेस करने के लिए, और प्लस आपको शिपिंग भी फ्री मिलेगी। तो आज की वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करो, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उन्हें जल्दी से देख सको। आप मुझे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी, ये मैंने एल्प्स गुडनेस का एलोवेरा हाइड्रेटिंग सीरम लिया है। ये रहा वो सीरम। काफ़ी टाइम से मैं सीरम परचेस करने का सोच रही थी, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे ब्यूटी ब्लॉगर्स को, वो अपने मेकअप को स्टार्ट करने से पहले सीरम ज़रूर लगाते हैं। इससे ना आपकी स्किन अच्छी हाइड्रेट रहती है और मेकअप के लिए अच्छा बेस फॉर्म करती है। तो इसलिए मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं एक सीरम परचेस करूँ, तो इसलिए मैंने पर्पल से ये वाला एलोवेरा वाला हाइड्रेटिंग सीरम परचेस किया है। इसका प्राइस 155 रुपीज़ है। के साथ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल ही दूंगी, तो आप वहां से चेक कर लेना। एक 10 ml की बॉटल है। इसके साथ आपको एक ना ड्रॉपर मिल जाता है, ये रहा वो ड्रॉपर। तो आप ड्रॉपर की हेल्प से अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो सीरम को। तो चलिए इसे ट्राई करके देखेंगे कि कैसा होता है। तो साथ ही मैं आपको इसकी रिव्यू भी जरूर शेयर करूँगी। मैंने परचेस किया है ये लिपस्टिक है, ये है स्टे क्विर्की की लिक्विड लिपस्टिक। स्टे क्विर्की मिनी लिपस्टिक है ये। पैकेजिंग काफ़ी सुंदर है इसकी। तो ये है लेट्स मेकअप पर्ल नेकलेस 27। तो हाँ, ये वाला मैंने कहाँ से परचेस किया था, ये मेकअप व्लॉगर हैं स्वाति भांबरा, तो मैं उनकी वीडियोस देखती हूँ। तो वहाँ से उन्होंने ना एक मेकअप वीडियो में ये वाला लगाया हुआ था, तो उन्होंने लिंक डाला हुआ था, तो मुझे ये वाला काफ़ी अच्छा लगा। ये शेड मेरे पास था भी नहीं, मेरे पास मैक्सिमम पिंक रेड ये सब कलर्स हैं, मेरे पास न्यूड कलर की कोई भी लिपस्टिक नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये वाला ट्राई करते हैं, ये मुझे काफ़ी सुंदर लगा। इसका कैप भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं आपको इसका शेड दिखाती हूँ कि कैसा है ये शेड। ये देखो, ये न्यूड ब्राउन कलर है, देख सकते हो आप। नेक्स्ट मैंने परचेज़ किया था एक आई शेडो, ये आई शेडो पैलेट है, ये मी ऑन करके है। इसमें 24 कलर्स हैं आई शेडो के, देख सकते हो आप। इसमें मिरर भी दिया हुआ है और यहाँ पे 24 शेड्स हैं। तो ये मैक्सिमम सारे ना ये शिमरी कलर है। मुझे एक न्यू आई शेडो पैलेट चाहिए थी, क्योंकि पहले वाली में काफ़ी मैंने यूज़ कर लिया था, इसलिए मैंने ये वाला चूज़ किया। मैं दिखाती हूँ आपको, ये तो मैं इनको अपनी आने वाली वीडियोस में यूज़ करूँगी। मैंने ये पेयर ऑफ फॉल्स आई लैशेज परचेस किए हैं, ये स्विस ब्यूटी के हैं, 3D स्टूडियो इफेक्ट आई लैशेज। तो अभी तक तो मैंने अपनी वीडियोस में फॉल्स आई लैशेज यूज़ नहीं किए, तो मैं सोच रही थी इनको यूज़ करने का, तो इसलिए मैंने ये वाला परचेज़ किया है। ग्लैम गर्ल्स का प्रोफेशनल आई लैश ग्लू, ये वाला मैंने ऑर्डर किया था। मेरे पास जो ग्लू थी वो वाइट कलर की ग्लू थी, तो जब आप इसे अप्लाई करते हो ना तो हल्का वाइट वाइट सा दिखने लगता है, तो इसलिए मैंने इस पर ब्लैक कलर की आई लैश ग्लू अप्लाई की। मुझे अच्छी तरह से आई लैश अप्लाई करना आता नहीं है, तो क्यों ना अच्छे वाले ग्लू के हेल्प से लगाया जाए। तो इसमें जैसे लाइनर आपको ब्रश मिलती है ना पतली सी, तो वैसे ही ब्रश है, तो इसकी हेल्प से आप आई लैशेस पे ग्लू अप्लाई करके उसके बाद फिर लगा सकते हो। तो मैंने एक ब्रॉन्जर लिया था, ये है एले कलर्स का। अभी तक मैंने ब्रॉन्जर यूज़ नहीं किया है, मैं कॉन्टोरिंग ही करती हूँ, तो मैंने सोचा चलो इस बार ब्रॉन्जर यूज़ करके देखते हैं। मैं इसे ओपन करके आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा कलर है, मुझे भी चेक करना है वैसे तो। वैसे जब भी आप ब्रॉन्जर अप्लाई करते हो तो दोनों कलर्स को मिक्स करके लगाते हो, फिर अप्लाई करते हो अपने फेस पर। तो मैं दोनों कलर्स को ऐसे करके ना दिखाती हूँ आपको। ये शेड है शिमरी सा ब्राउन कलर का शेड है, तो इसे आप अपने चीक्स पे अप्लाई करते हो
अभी मैं बस आपको हल्का सा अप्लाई करके दिखा रही हूँ। जब आप इसे ब्रश के हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करोगे ना तो काफ़ी अच्छा लुक आएगा। ये स्टे क्विकी की लिक्विड फाउंडेशन है, ये ग्लास की बॉटल में है। ये ना मैंने ऐसे ही ऑनलाइन परचेज कर लिया है विदाउट अपना शेड ट्राई किए हुए। शेड है थर्ड शेड है कैरी ऑन कैरामल। तो जब भी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसे यूज़ करूँगी तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि ये मेरे से मैच कर रहा है, मेरी स्किन टोन से मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। इसमें आपको ना पंप मिल जाती है, ये पंप पंप की हेल्प से आप निकाल सकते हो, तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। नेक्स्ट मैंने परचेज़ किए स्टे क्विकी के दो नेल पेंट्स, ये है फर्स्ट है कोरल कलर और सेकेंड है येलो। तो मुझे येलो कलर के नेल पेंट काफ़ी टाइम से चाहिए थे, क्योंकि जब भी मैं कोई भी येलो कलर का आउटफिट डालती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि उसके साथ मैं ये नेल पेंट लगाऊँ, तो इसलिए मैंने इस पर येलो और ये कोरल कलर के दो नेल पेंट्स ऑर्डर किए थे। ये है वो ऑरेंज वाला शेड। नेक्स्ट मेरे पास एक और लिपस्टिक है पर्पल की, ये पर्पल मिनीज लिपस्टिक है, 8 नंबर शेड है इसका, माई फर्स्ट ड्रेसअप। बहुत प्यारा शेड है पिंक कलर का। एक और लिपस्टिक है मेरे पास स्टे क्विकी की, ये वाली लिपस्टिक जो है ये मुझे पर्पल से फ्री गिफ्ट मिली थी, क्योंकि सेल चल रही थी, काफ़ी सारे ऑफर्स चल रहे थे ना, तो उसमें ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स फ्री मिल गए थे, तो उनमें से ये लिपस्टिक भी थी स्टे क्विकी की लिपस्टिक। इनका नाम है स्पाइसी गर्ल 14। तो अब हम इसे अप्लाई करके देखते हैं, ये कितनी छोटी सी है देखो आप, थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों लिपस्टिक्स के शेड में। ये एल्प्स गुडनेस का कुंभर टोनर है, टोनर भी मुझे चाहिए था काफ़ी टाइम से, पहले भी मैं बायोटिका का कुंभर टोनर यूज़ कर चुकी हूँ, तो इस बार मैंने सोचा कि मैं एल्प्स गुडनेस का यूज़ करूँगी। और अच्छी बात ये है कि ये भी मुझे एज अ फ्री गिफ्ट मिला है, जब भी पर्पल पे सेल चलता है ना तो वो कुछ ना कुछ फ्री गिफ्ट्स देते हैं आपको, कुछ लिमिट होती है, अगर आप इतने का परचेस करोगे तो फिर आपको कुछ फ्री गिफ्ट्स मिलेंगे। इसमें आपको स्प्रे नोजल मिली है, तो आप इसे स्प्रे करके डायरेक्टली अपने फेस पे लगा सकते हो। एक मैंने NYB की आईलाइनर परचेस की है, मेरे पास जो एक्जिस्टिंग आईलाइनर है वो इनसाइड कॉस्मेटिक्स की पेन वाली लाइनर है, तो मैंने सोचा कि चलो इस बार ब्रश वाली लाइनर ट्राई करते हैं, तो मैंने NYB की ये वाली लाइनर ली है। इसका प्राइस भी काफ़ी कम था, आई थिंक 75 रुपीज़ ही था, तो इसलिए मैंने ये वाला परचेस किया कि चलो इसको ट्राई करके देखते हैं कि कैसा होगा। मुझे पर्पल ने एक और फ्री गिफ्ट सेंड किया है, वो है ये रोज़ हिप का रेडियंट ग्लो फेस सीरम। ये ट्रायल पैक है, 1 ml है, तो ये वाला एज अ फ्री गिफ्ट मुझे रिसीव हुआ है पर्पल से। पर्पल पे मैंने फ़र्स्ट टाइम शॉपिंग की तो इसलिए मुझे काफ़ी सारे डिस्काउंट्स मिले, वैसे तो जब भी सेल आती है तो आपको डिस्काउंट्स मिलते ही हैं, साथ ही कुछ फ्री गिफ्ट्स भी मिलते हैं, बट फर्स्ट टाइम के लिए आई थिंक 100 रुपीज़ ऑफ था, साथ ही साथ फ्री शिपिंग भी थी। तो जब भी आपको कुछ भी परचेस करना हो तो आप जब भी पर्पल पे सेल चले तो उस टाइम पे आप परचेस कर सकते हो, जिससे कि आपको डिस्काउंट का भी फ़ायदा मिलेगा, कुछ फ्री गिफ्ट्स भी मिलेंगे और साथ ही साथ फ्री शिपिंग भी मिलेगी। तो ये थे वो मेकअप प्रोडक्ट्स जो मैंने पर्पल से ऑर्डर किए थे। इसके अलावा मैंने कुछ और मेकअप प्रोडक्ट्स अभी कुछ दिन पहले ही परचेस किए थे, वो अमेज़ॉन से लिया था मैंने, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ये स्ट्रिक्स प्रोफेशनल का हेयर सीरम ऑर्डर किया था, मेरे पास जो पहले सीरम था वो लॉरेल का सीरम था जो कि ख़त्म हो चुका था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस बार डिफरेंट ट्राई करूँगी। तो ये मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है, इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है। मैं आपको ये नोज़ल मिल जाता है इसे लेके, फिर आपको अपने हेयर्स पे लगाना होता है आफ्टर वॉश, टॉवल ड्राई करके आप इसे अपने हेयर्स पे अप्लाई करते हो, या फिर जब भी आप कोई भी हेयर स्टाइल कर रहे हो जैसे कि स्ट्रेटनिंग या कर्लिंग कर रहे हो तब आप हेयर सीरम अप्लाई कर सकते हो, तो ये आपके हेयर को प्रोटेक्ट भी करेगा हीट से। ब्यूटी के अल्टीमेट शेडो पैलेट, ये भी मैंने अमेजोन से ही परचेस किया था, इसमें 9 कलर्स हैं, क्योंकि मेरे पास जो आई शेडो पैलेट थी पहले उसमें कोई भी मैट कलर नहीं था, तो इसलिए मुझे मैट कलर चाहिए था। न्यूड कलर है, ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन कलर, पिंक से कलर है, तो ये वाली इधर ऊपर वाली जो दो रो है और यहाँ पे नीचे के ये जो मैट वाले शेड्स हैं और नीचे का ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे हल्के शिमरी से शेड है, मैं आपको दिखाती हूँ पिंक कलर, ये देखो
ये पिंक कलर शिमरी सा शेड है, पिगमेंटेशन भी ठीक ठाक है इनकी। मेबली न्यूयॉर्क की ये लिक्विड लिपस्टिक चेस किया था, इसका शेड है 04 ईजी बेरी। ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मुझे ना लाइट पिंक सा न्यूड पिंक सा कलर चाहिए था, तो इसलिए मैंने ये वाला परचेज़ किया था। मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक दो मेकअप वीडियोस में भी मैंने इसे यूज़ किया है, तो ये देखो ये है इसका शेड, लाइट पिंक है। बाकी जो आपको ये पिंक दिख रहे हैं ना, इनसे लाइट कलर है ये। तो बस ये थे वे प्रोडक्ट्स जो मैंने अभी लेटेस्ट परचेज़ किए हैं, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे पर्पल से शॉपिंग करके। जब फ्री गिफ्ट्स मिलते हैं ना तो बहुत ही खुशी होती है, बहुत मज़ा आता है, चाहे एक भी फ्री गिफ्ट क्यों ना मिले। तो मुझे तो इसमें चार चार फ्री गिफ्ट मिले हैं, एक लिपस्टिक मिली, टोनर मिला, आईब्रो पेंसिल मिली, फिर सीरम मिला, तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे गिफ्ट रिसिप्ट हुई हैं। तो अगर आप भी ट्राई करना चाहते हो, आप भी पर्पल से बाय करना चाहते हो, तो अभी के सेल का फ़ायदा ज़रूर उठाओ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इन प्रोडक्ट्स में से कोई आपको बहुत पसंद आया और आप वो ख़रीदने वाले हो तो मुझे ज़रूर बताओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करो ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप उन्हें जल्दी से देख सको। तो जल्दी ही मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।